नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने YouTube चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बिहार लाइवियन न्यू अपडेट, बिहार लाइवियन की होगी बहाली, नियमावली बनकर तैयार, प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी बहाली, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत, बिहार लाइवियन की बहाली अब बहुत ही जल्द होगी। दोस्तों एक वीडियो क्लिप भी हम आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो लगातार 14 वर्षों से बिहार लाइवियन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए जिसमें बिहार लाइवियन के बारे में बताया जा रहा है, जो कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, क्या इसका एग्जाम होगा या मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहा है। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए। उत्तर बात है पूरा महोदय, इसमें एक लाइन का तो प्रश्न का जवाब जवाब है महोदय, क्या सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों के पुस्तकालय अध्यक्षों को अजीत अवकाश पुराने नियमित शिक्षकों की भांति 300 दिन का देना चाहती है, अभी उनको एक नियोजित शिक्षकों को 120 दिन का देते हैं और पुराने शिक्षकों को 300 दिन का देते हैं। मैंने अंतिम खंड में महोदय के खंड उत्तर सकारात्मक है तो नियोजित शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को पुराने शिक्षकों की तरह अजीत अवकाश देना चाहते हैं, बस दोनों शिक्षक राज्य सरकार का है, एक पुराना है एक नया है, तो पुराने ही की तरह राज्य सरकार नए पर देने पर विचार रखती है। अवकाश का पत्र है लेकिन नगदीकरण नहीं हो रहा है, ये भी मामला है। 120 से 300 दिन का तो कहा जा रहा है वो है, लेकिन उसका नगदीकरण भी हो सिर्फ नियमावली में सजाकर सवार कर रखने की चीज नहीं है। शिक्षक अगर सेवानिवृत्त होते हैं तो अर्जिताभकाश का उनको लाभ भी मिले, उसका नगदीकरण। महोदय जो प्रवृत्त नियमावली है 2020 उसमें 120 दिन के अर्जिताभकाश का प्रावधान है महोदय, और नई नियमावली आने वाली है, इस पर विचार करेगी सरकार महोदय। संख्या 423 जिसको इस अर्जिताभकाश का नगदीकरण का लाभ है, केवल ये नियोजित शिक्षक ही है जिनको 120 दिन दे रहे हैं, दे रही है शिक्षा विभाग 300 दिन करना है, ठीक है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हम विचार करेंगे 2023 की नियमावली में 300 दिन का, लेकिन इस अर्जिताभकाश का नगदीकरण हो, कोई ऐसा सेवा संबंध नहीं है जिसको अर्जिताभकाश का नगदीकरण का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए मेरा आग्रह होगा सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से कि उस पर भी आश्वासन दे कि इसका नगदीकरण का लाभ इन शिक्षकों को भी दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, अभी जो नियमावली है उसमें तो प्रावधान नहीं है, जैसा कि पढ़े हैं प्रश्न आने के बाद देखे हैं तो जानकारी मिली है, मगर नई नियमावली आने वाली है उस पर विचार करेगी सरकार गंभीरतापूर्वक। महोदय नई नियमावली कब तक आने वाली है? अब पूरी तरह से हमारे सम्मानित माननीय सदस्य नवल बाबू आप आश्वस्त रहिए, कम से कम वर्ष 2023 संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करेगी। दोस्तों सुन लिए हैं आज का दौर में क्या हुआ, नवल किशोर यादव जी के द्वारा बार बार सवाल किया जा रहा था और उस पर मंत्री जी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जो कि न्यू नियमावली में आने वाला है, जो कि पुराने जो भी टीचर है जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष है उनको अवकाश का जो है 300 दिन दिया जाता है और नए वाले के 120 दिन दिया जाता है, तो उस पर अभी विचार विमर्श चल रही है, न्यू नियमावली आ रही है उस पर भी विचार अभी चल रही है, क्योंकि जो भी अभी न्यू नियमावली आएगा और लास्ट में नवल किशोर जी पूछे भी है जो कब तक न्यू नियमावली आ जाएगा, तो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं जो 2023 के लास्ट नियुक्ति सभी स्टूडेंट को हो जाएगा, वह सातवें चरण शिक्षक बहाली हो, बिहार लाइवियन हो या कंप्यूटर टीचर हो, सभी के लिए 2023 के लास्ट में सभी की नियुक्ति हो जाएगी, जो कि स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुने ही, आगे हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आई होप कि इस वीडियो में सारा चीज़ जो भी बताया गया आप समझ गए होंगे, हमको बताने की भी उतना ज़रूरत नहीं है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। जैसे ही बिहार इलेवन के बारे में कुछ अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बिहार इलेवन वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट निकल के आता है तुरंत हम वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।